हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है वो है एसएससी के रिगार्डिंग। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है इंडिया में, एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये पाया है कि उनके एक्सपेंसेस में एक 3-fold जंप हुआ है, जो कि उनके एक्सपेंसेस 900 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो अब आने वाले समय में जॉब सीकर्स हैं जो उन एग्जामिनेशंस में बैठते हैं, चाहे वो एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन हो, सीजीएल या सीएचएसएल या फिर दिल्ली पुलिस, जो भी एसएससी कंडक्ट कराती है, तो माना ये जा रहा है कि अब 2018-19 में होने वाली सारी एग्ज़ाम में जो एक कम से कम 3 गुना इंक्रीज देखा जाएगा एप्लीकेंट्स की जो एग्ज़ाम फीस होती है, फॉर्म फीस होती है उसके अंदर, बिकॉज एसएससी ने ये पाया है कि उनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, जो कि आजकल वो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसमें उनके एक्सपेंसेस एटलीस्ट 3-fold तक बढ़ जाते हैं। मतलब कि 300 करोड़ जो एक्सपेंसेस का एस्टीमेट था, एजेंसी का एक्सपेंडिचर आता है, वो अब कम से कम इस करंट फिस्कल ईयर में 900 करोड़ होने की आशंका है। तो 3 गुना अगर एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जो है कि वो एग्ज़ाम फीस में भी करनी पड़ेगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि आप जानते हैं कि जनरल लोगों को उसका काफ़ी सबब उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकतर फीस उन्हीं से ली जाती है, एससी कैंडिडेट से फीस नहीं ली जाती है, ओबीसी कैंडिडेट से भी कुछ कंसेशन दिए जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि एटलीस्ट 3-fold इंक्रीज आपका एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स में होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह अपडेटेड न्यूज़ मिले एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, वैकेंसीज के रिगार्डिंग, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग एंड कुछ लॉज एंड इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो एक इम्पॉर्टेंट